हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज एक्सेल में हम सब लाए हैं कस्टम डेटा वैलिडेशन। इससे पहले भी कस्टम डेटा वैलिडेशन लाए थे, आज कस्टम डेटा वैलिडेशन में कुछ नया ट्रिक्स देखना है। अभी क्या नया ट्रिक्स है देखिए, मैं एक्सेल सीट ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा डेमो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर छोटा सा MIS डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, संडे डेट नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड इन बिलिंग डेट कलम। मतलब संडे डेट नॉट एक्सेप्टेड इन बिलिंग डेट कलम, जो बिलिंग डेट कलम है इसमें संडे वाला डेट जब टाइप करोगे तब वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कैलेंडर ईयर में जैसे संडे होता है, ठीक है ना। देखिए एक बार दिखा देते हैं, जैसे जून महीना है, अभी आज का डेट है 23 जून। अभी इसी जून महीना में देखिए संडे क्या है, संडे 7, 14, 21, 28 है ना, 7, 14, 21, 28। या मई में जाइए तो 3, 10, 17, 24, 31 लिखा हुआ है। तो ये जो संडे डेट है ना, इसमें जब टाइप करेंगे तब एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखिए हो रहा है कि नहीं, देखिए। तो क्या जून में क्या देखे थे, 7, 14 ऐसा देखे थे, तो मानिए 14 ही कर रहे, 14 जून 2020। एंटर, जब भी मैं एंटर किया हूँ मेरा सामने एक मैसेज आ चुका है, सॉरी फ्रेंड्स संडे डेट नॉट एक्सेप्टेड इन बिलिंग डेट कलम। तो बिलिंग डेट कलम में क्या है, संडे वाला डेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लिखने नहीं दे रहा है, 14 के बदले में जब 13 करोगे 13/6/2020 कोई टेंशन नहीं, देखिए आराम से लिखने दे रहा है। बट जब भी करोगे संडे वाला कोई डेट टाइप करने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, मशीन सपोर्ट नहीं करेगा। और संडे छोड़ के कोई भी टाइप करोगे तो सपोर्ट करता है। और जब भी संडे वाला डेट करोगे, देखिए मई 3 मई दिखाए थे, संडे था, एंटर जब भी करोगे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये मैं कैसे किया हूँ, ये जो रेस्ट्रिक्शन डाले हैं डेटा वैलिडेशन में, इसको मैं कैसे किया हूँ, आज का टॉपिक यही है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक कंडीशन है ना, कंडीशन हटा दीजिए, यहाँ से पूरा कंडीशन हटा दीजिए जहां तक डेटा है। अभी कंडीशन कैसे हटाओगे, जहां से लगाते हैं वहां से हटाते हैं। अभी डेटा वैलिडेशन का भी शॉर्टकट की है, डेटा वैलिडेशन शॉर्टकट की है Alt-DL। Alt-DL जब भी करोगे डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिकली शॉर्टकट जो विंडो है ओपन हो जाएगा। इसमें जाइए क्लिक कीजिए, क्लियर कर दिए, पास ओके हो गया। अभी देखिए आज अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए जैसे 7 जून क्या था, संडे था। अभी इसमें टाइप करेंगे तो कुछ भी आप टाइप करो आराम से होगा, 7, 14 अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्शन हटा दिया हूँ, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन यहाँ से मैं रेस्ट्रिक्शन जो था उसको हटा दिया। अभी इसको लगाएंगे, लगाना ही सीखना है तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लॉजिक क्रिएट करना है ना, तो इसलिए मैं लिख के रखा हूँ लॉजिक क्रिएट करो, क्रिएट लॉजिक। तो हम सब यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा अभी एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है वीक डे, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, वीक डे ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सबसे पहले बोल रहा है सीरियल नंबर, मतलब डेट, आपको डेट डालना है। तो मेरा यहाँ पर डेट है, मैं डेट ले लिया हूँ, ठीक है, डेट मैं डाल दिया हूँ, ओके। उसका बाद देखिए उसका बाद क्या बोला गया है, उसका बाद है, देखिए इसको थोड़ा ई कर दिया। उसका बाद क्या कॉमा है, कॉमा डाल दीजिए। जब भी मैं कॉमा डाला हूँ देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान से क्लियर कीजिए, ये लिस्ट क्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 3, 11, 12 ऐसे दिया है, जो भी है। मुझे मैं ले रहा हूँ 2 वाला, अभी ए वाला ले रहा हूँ, 2 लेना है। अभी 2 क्यों लेना है, देखिए 2 को थोड़ा क्लियर कीजिए, 1 को क्लियर कीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो 2 को थोड़ा क्लियर करते हैं, 2 में क्या दिया है, 2 में बोला गया है मंडे। मंडे क्या होगा, नंबर 1, मंडे मंडे शुरू होगा 1 नंबर से, ठीक है। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 ऐसे होगा। आज तो संडे क्या होगा, ऑटोमेटिकली 7 होगा, ठीक है। तो 2 का मतलब यह है 3 आप लोगे तो मंडे क्या हो गया, 0 से शुरू होगा। जैसे एक एक है, 11 है, मंडे क्या होगा, 1 से शुरू होगा। 12 है तो
टू इस डे एक से शुरू होगा, तो मैं क्या ले रहा हूँ, टू लेना है। टू मतलब मंडे से, मंडे को एक से शुरू करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टू दे दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं, ब्रैकेट को बंद कर दिया। जब एंटर करोगे ना, तभी देखिए यहाँ पर छह दिया है, सिक्स दिया है, अब सिक्स क्यू दिया है, ये सिक्स जो रिटर्न किया है क्यू दिया है। देखिए ये जो डेट है ना, छह जून, अभी देख लीजिए कौन सा बार आ रहा है, देखिए एक बार जाइए, जून का कैलेंडर है, ये 6 जून, 6 जून क्या है, देखिए 6 जून यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सैटरडे। मंडे क्या बोले थे, एक बोले थे, मंडे एक, ट्यूजडे टू, वेडनेसडे थ्री, थर्सडे फोर, फ्राइडे फाइव और सैटरडे सिक्स। तो ये जो 6 जून क्या था, सैटरडे था, इसलिए मेरा यहाँ पर क्या रिटर्न किया है, 6 रिटर्न किया है, देख रहे हैं ना, 6 यहाँ पर रिटर्न किया है। इसमें कुछ भी आप टाइप कीजिए, जैसे आज मानिए 23 तारीख है, आज कौन सा बार है, ट्यूजडे है, देखिए अभी मैं 23 जून 2020 कर रहा हूँ, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, मंडे एक, ट्यूजडे टू, तो टू रिटर्न करना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ पर टू ही रिटर्न किया है, टू रिटर्न किया है, देखिए यहाँ पर मैं वन टू करके रख दिया हूँ, देखिए पहले से लिखा हूँ, देखिए ट्यूजडे था, आज का डेट ऐसे भी ट्यूजडे ही है, ट्यूजडे में क्या है, देखिए दो रिटर्न होना चाहिए, तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैं लिखा है मंडे एक, ट्यूजडे टू, वेडनेसडे थ्री, जो भी बार होगा उसका जो रिटर्न हो रहा है उसी का दिन रिटर्न कर रहा है, एक मंडे एक एक दिन है, टू दो, दो तीन चार, तो यहाँ पर देखिए संडे तक क्या है, 7 संख्या है ना, मंडे एक, ए दो, ऐसे करके 7 संख्या दिया हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या बोले हैं, संडे ना, संडे यहाँ पर टाइप करने नहीं देंगे, मतलब क्या क्या टाइप करने देंगे, 1 2 3 4 5 6 तक टाइप करने देंगे, संडे 7 टाइप करने नहीं देंगे। तो इसके लिए मुझे क्या लॉजिक बनाना होगा, देखिए इसके लिए लॉजिक क्रिएट करते हैं, लॉजिक देखिए मैं लिखा हूँ क्रिएट लॉजिक, तो लॉजिक ही मेन है, लॉजिक क्रिएट कर लोगे तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, देखिए वीक डे बहुत काम का फंक्शन है, वीक डे सीरियल नंबर, तो जो डेट मैं यहाँ पर लिया हूँ उसको ही सिलेक्शन कर लीजिए, कर लिया हूं, अच्छा बात है, कॉमा दे दिया हूं। कॉमा देने के बाद मैं कौन सा लेना है, मुझे दो ही लेना है, तो आपको दिखा दिया इसमें क्यों दो लेना है, वो भी आप सबको क्लियर किया हूं। आपको जो मन करे आप ले सकते हो, तो मैं मंडे को वन में रखना चाहता हूं, तो मैं दो ले रहा हूं, तो मैं दो टाइप करना है या टैप प्रेस करना, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अभी यहां पर जब एंटर करेंगे तो क्या रिटर्न आएगा, जो इसका बार रहेगा वही रिटर्न आएगा, ठीक है। जैसे क्या था ये, हाँ 23 जून क्या था, लग रहा है फ्राइडे था ऐसा कुछ, या सैटरडे था, एंटर करके देख लीजिए, नहीं टू, मैं टू इस डे था 23 जून, ओ आज का ही तो डेट है, 23 जून क्या था, टू इस डे था, देखिए एक बार दिखा देते हैं, 23 कहाँ गया था, ये 23 है ना, टू इस डे, तो दो रिटर्न किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 तक टाइप करने देंगे, तो क्या टाइप करने नहीं देंगे, मतलब लेस देन 7 का नीचे तक टाइप करने देंगे, ठीक है, 7 टाइप करने नहीं देंगे, 7 का नीचे, लेस देन 7 मतलब क्या, 7 का नीचे आप टाइप कर पाओगे, तो मतलब 7 का नीचे मतलब ये 1 से लेकर 6 तक ये सब डेट आप टाइप करने दोगे, ये सब बार जो है टाइप करने दोगे, 7 वाला जो संडे वाला डेट है वो लेस देन 7 टाइप करने नहीं दोगे। तो ये था लॉजिक, देखिए ट्रू क्यों है, मतलब ये संडे नहीं है, आज ट्यूजडे है, ठीक है ना। जैसे देखिए आज संडे कौन सा बार होगा, देखिए 28 तारीख है तो 28 है ना, जब भी मैं इसमें 28 तारीख टाइप करूंगा 28 जून, तभी क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए जब भी मैं 28 जून किया हूं, अभी यहां पर क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स, मतलब ये संडे हो चुका है। तो ये जो लॉजिक है ना, इसी लॉजिक, देखिए लॉजिक को थोड़ा दिखा देते हैं, यही था लॉजिक बनाए थे, तो यही लॉजिक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और कुछ नहीं, लॉजिक तो बना लिए, लॉजिक को यहाँ से कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी एस्केप कर दीजिए, कॉपी हो चुका है। अभी देखिए अभी कहाँ पर लगाना है, कंडीशन यहाँ पर लगाना है, तो ये जहाँ तक है वहाँ तक सिलेक्शन कर लिए, कहाँ तक है, बहुत बड़ा डेटा लग रहा है, हाँ यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया हूँ, या इसी कलम में लगाना था, इसी कलम को मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ, देख सकते हैं। अभी कहाँ पर जाना है, डेटा वैलिडेशन, आप माउस से भी जा सकते हो, डेटा वैलिडेशन, मैं शॉर्टकट की भी आप सबको शेयर किए थे, क्या है, ऑल्ट डी एल, है ना,
ऑल्ट डी एल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, शॉर्टकट की थोड़ा सा याद करके रखोगे ना तो काम क्या होता है, फास्ट होता है। इसीलिए मैं शॉर्टकट की के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप सबको शॉर्टकट की का बारे में पूरा डिटेल्स में क्लियर करना है तो वो जो शॉर्टकट की वाला जो वीडियो बना है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी है, अभी कहाँ जाना है मुझे, टैप करके यहाँ पर जाना है। ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस कीजिए, ओपन हो चुका है। कहाँ जाना है, कस्टम, क्या बोले थे, कस्टम डेटा वैलिडेशन में क्या सीखना है, एक ट्रिक्स सीखना है। ट्रिक्स मतलब नया कुछ सीखना है। तो जो मैं कॉपी करके रखे थे, जो लॉजिक बना के रखे थे, कॉपी किए थे, उसको क्या करना है, कंट्रोल भी कर देना है, तो पेस्ट कर दिए। अभी थोड़ा एरर मैसेज देना है, तो एरर मैसेज में थोड़ा टैप टैप करके ऊपर में चल जाइए, एरर मैसेज, ठीक है। अभी इसी में आपका एरर मैसेज डाल दीजिए, क्या डालना है तो ही लिख देता हूँ, जो लिखे थे, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोले थे, संडे डेट नॉट एक्सेप्टेड इन बिलिंग कॉलम, है ना, लिख दिए। जो भी आपका मन चाहे सुंदर सा जो कमेंट होता है आप लिख सकते हो, बस ओके कर दीजिए। ओके मैं कर दिया हूं। तो क्या हो गया, लॉजिक लग चुका है। अभी देखिए लॉजिक लगा है कि नहीं, संडे वाला तो संडे, जून महीने में क्या क्या संडे बोले थे, जून ही ले लिए, तो 7, 14, 21, 28, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी टाइप था इसीलिए लिया हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए अभी मैं कर रहा हूँ 21 जून 2020, 7, 14, 21, हाँ ये तो संडे है। एंटर जब करोगे क्या होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स आ चुका है, संडे डेट नॉट एक्सेप्टेड। बट जब इसको 20 कर दोगे तो क्या होना चाहिए, टाइप करने देगा, कोई टेंशन नहीं है। जब भी आप संडे जब भी टाइप करने जाओगे तभी आपका एरर मैसेज आ जाएगा। अब जब संडे छोड़ के जब टाइप करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब बिलिंग बनाने दे रहा है, ठीक है। तो 28 भी क्या था, संडे ही था, तो क्लियर हो चुका है। तो हम सब कैसे लॉजिक बनाए, लॉजिक को कैसे कस्टम डेटा वैलिडेशन में पेस्ट करके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। तो यही था आज का टॉपिक, आज का कस्टम डेटा वैलिडेशन में एक नया ट्रिक्स। ओके तो आशा करते गाइस आप सबको ये लॉजिक क्लियर हो चुका है। ओके गाइस मेरा टॉपिक यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय गाइस।